तो दोस्तों अब हम करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी हम आपको दिखाएंगे डायनासोर पार्क। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको। डार्कनेस है बहुत ज़्यादा, तो अब हम जा रहे हैं डायनासोर आपको दिखाएंगे। ये डायनासोर पार्क है, ये डायनासोर की आवाज़ आप सुन भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आपको दिखाएंगे अभी, वो देखिए दो डायनासोर छोटे बच्चे, और वो देखिए ऊपर भी, और ये देखिए ये जंगल बहुत ही अच्छा इन्होंने बना रखा है यहाँ पे इस पार्क के अंदर, डायनासोर के पार्क के अंदर बहुत ही अच्छा सब कुछ है। और अभी दिखाते हैं आपको विद एग्स, डायनासोर विद एग्स और बच्चे छोटे छोटे। दोस्तों ये देखिए डायनासोर का बहुत बड़ा अंडा, जब कभी करोड़ों साल पहले धरती के ऊपर ये डायनासोर हो गए तो उनके अंडे इतने बड़े बड़े होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस पार्क के अंदर, दोस्तों देखिए ये एक और डायनासोर इस पार्क के अंदर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मेमिनाचिसॉरस, ये देखिए डायनासोर जो इसकी एज भी बताई गई है इसमें। दोस्तों देखिए ये भी एक बहुत बड़ा डायनासोर है, और देखिए कितने मिलियन साल पहले ये धरती पर थे, तो
सेम उनके जैसे बना के दिखाया गया है इस पार्क के अंदर, आप देख सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको दूसरी साइड से। तो देख दोस्तों, देखिए कितना बड़ा डायनासोर है, और इसके जो तीन अंडे हैं वो भी रखे हैं साइड में। अभी ये बना के दिखाए गए हैं इस पार्क में। सो दोस्तों, अब चलते हैं। अब ये जो व्लॉग हमारा हो चुका है कंप्लीट डायनासोर पार्क का। दोस्तों, इसके बारे में अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पर लाएं, और इस जो है डायनासोर पार्क को ज़रूर दिखाएं, और इस छतबीड़ जो है इस पूरे ही जू है इसको ज़रूर दिखाएं। बच्चों को बहुत ही नॉलेज मिलेगी इससे, कितने सारे जानवर हैं। सो सब कुछ आपको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं अपने बच्चों को भी, उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, और पढ़ाई में जो है इन सब पशु पक्षियों का जो जिक्र होता है वो अच्छे तरह से समझ पाएंगे इसके बारे में। सो दो परिवार को भी, उनको भी ज़रूर दिखाएं। ये छतबीड़ जू है, पंजाब के अंदर है। सो दोस्तों, ज़रूर आएँ, दिखाएँ अपने पूरे फैमिली को और पूरे अपने बच्चों को।